और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, लालू प्रसाद यादव और रामदेव की मुलाकात हो रही है। बाबा रामदेव और लालू प्रसाद यादव साथ में बैठे हुए मीडिया के सामने, लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए बाबा रामदेव उनके घर पहुंचे। आज सुबह दिल्ली के आवास पर यह बैठक हुई और उसके बाद मीडिया के सामने कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आई नोटिस नहीं लिए बीच के दिनों में, पता नहीं कहा किसके चक्कर में पड़े जाते हैं, इनका इस्तेमाल करके फेंक देता है सब, तो हम इसलिए कभी कभी बिगड़ते लेकिन दिल से नहीं बिगड़ते। और उन्होंने हमको सिखाया था जो, और जो सिखाया उसको हम भुला गए, तो हमने कहा जितना ये प्रोडक्ट है इनका, जो हम सुनते रहते हैं प्रोडक्ट के मामले में, साबुन है, शैम्पू है, सत्तू है, जौ के आटा है, पिसान है, अभी तो एनर्जी बार भी कर दिया। हाँ, एनर्जी बार है। हाँ, तब उसको कौन कौन सा योग सिखाया था बाबा जी आपने लालू जी को पहले? देखो, लालू जी अभी भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, जो पूरा हिंदुस्तान करता है वो लालू जी करते हैं। लालू जी करके दिखाओ ना इनको योग, अभी जो हमने सिखाया है। पहले तो बाबा हमको हॉल में बैठा के कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, समझे, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन करो, ओ, फिर वो कान भी बंद करके, हम ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ, भ्रामरी वाला, भ्रामरी वाला, भ्रामरी, फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन, फिर भस्त्री का वो फूका मारना ना जोर से, थोड़ा करो, आपका तो फूंक बहुत जोरदार है ना, अभी तो अच्छे अच्छे को उड़ा देते हैं। अभी वो फूंक देंगे तो कोई ठीक का नहीं, ये शरीर वाला है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम ऐसे करो, ये वाला नहीं, ये अभी तो सीखा है तो भूल गए, ये वाला। हाँ, फिर बाएं को बंद करो, अब दाएं से छोड़ो, हाँ अब दाएं से लो, हाँ फिर बाएं से छोड़ो, ऐसे फिर बाएं से लो, फिर दाएं से छोड़ो, फिर ये पेट को कपाल भाती करके दिखाइए। हाँ, लालू जी। हाँ, करके दिखाइए, बहुत अच्छे खड़े होके करके दिखाइए, खड़े होके। हाँ, प्रोडक्ट छुप गया ना आपका, खड़े होके एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को बाबा लालू जी, एक मिनट खड़े होके दिखा दीजिए, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े होके दिखाएंगे। आप कितना कर रहे हैं? क्या फायदा क्या हुआ लालू जी, जो बाबा जी ने आपको योग सिखाया उसका कितना फायदा हुआ? फायदा हुआ कि बिल्कुल देश का हमारा अतीत का जो था, कसरत था, व्यायाम था, योग था, वो लुप्त होते जा रहा है। रामदेव महाराज जी, सिर्फ महाराज नहीं हैं, ये योग के क्षेत्र में इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया और जागरूकता लाया पूरे देश और दुनिया भर में, जो हम लोग छोड़ते जा रहे थे, भले बाद में जो लोग कोई झूठो बैठ कर के रोड पर पटाखे या घड़ियाल के तरफ बैठ कर ले रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, जो आप लोग यहाँ बैठे थे आप लोग भी पटाए थे उसमें। लेकिन ये योग हमारा अतीत को इन्होंने रिवाइव किया, हमारा रहन सहन, खान पान, ओढ़ना बिछौना, ये पूरा हमारा देश का, जैसे कैसे चक्की में पीस के हम लोग रोटी खाते थे, लिट्टी बनाते थे, सत्तू बनाते थे, आम का टिकोरा, आम पना बनाते थे, ये आम पना भी बनाया। हाँ, आम पना भी। ये बेल का शरबत, क्या 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 दिखाइए जरा बाबा जी। आम का पना, बेल, क्या क्या लेके आए, उसके क्या क्या फायदे जरा बताइए लालू जी को। और लालू जी को तो पता है, आपको हम बताएंगे, बताइए बताइए जरा। और एक बात और भी है, अभी हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लाखों लोगों का अनुष्ठान करने वाले हैं, और उसमें तो हमें हटे मोटिव। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम देश का सबसे बड़ा आयोजन करने वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे 17 से 21 मई, उसमें लालू जी भी आएंगे, इनको निमंत्रण भी देने आए। बिल्कुल, हमने इनका बाबा जी, आपने बहुत लोगों को विरोध रहा आपका कि आप हाई फाई सेंट भी कहा। अरे बाबा को, बाबा समर्थन, अरे बात सुन, आलोचना बीच के दिनों में भले ही गड़बड़ हो गए होंगे, या आप ये राजनीति अब इनकी मर्जी है, उस पर जो हमको हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन मूल बात है कि बाबा ने योग के क्षेत्र में, रामदेव जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया वो सदियों तक चलता रहेगा, भविष्य में। लेकिन अब तो प्रोडक्ट भी लेके आ गए अलग अलग प्रोडक्ट है कि ये सारा शरीर सबका खराब हो रहा है आदमी का। ये साबुन में जो बहुत सारा साबुन है, सोप है, जो पूंजीपतियों का बिक रहा है, उसमें
सोडा बहुत है। इसमें क्या फायदा दूध मलाई का है? अब हमारा ये गाय का है, भैंस का दूध इसमें है। गाय का दूध तो आप इस्तेमाल करेंगे? तो दूध करेंगे नहीं, हम दूध पीने वाले लोग हैं। हम लोग हमारा अब ये दूध दूध से देवता को पहले स्नान कराया जाता है। दूध मलाई से साबुन बनाया? अब ये दूध मलाई से क्रीम से ये साबुन बनाए हैं, तो त्वचा सब ठीक रहेगा। जो उल्टा पुल्टा कॉस्मेटिक लगा के चेहरा सबका खराब हो गया, ये ठीक करेगा। तो आप इंडोर्स भी करेंगे क्या? ब्रांड एम्बेसडर जैसे बाबा जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अपने प्रोडक्ट्स के, क्या आप भी करेंगे बाबा का? हम परमानेंट हैं बाबा जी के। बाबा जी हम एक समय में आपके नाम से चीजें मार्केट में आती थी लालू जी, लालू फूल जड़ी ये सब अब बाबा जी के नाम से आ रही है। ये सब बाबा को हम दे दिया, दूसरे बाबा को नहीं दे। ये क्या है बाबा जी, इसके बारे में बताइए। प्रोडक्ट में जो लोगों ने देखो, इस देश में हैट्रेट है लोगों को, कैसे रामदेव महाराज आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो गए, जेलेसी है सबको, और इसलिए सब तिरछी नज़र से देखता है। अभी जितना ये प्रोडक्ट बनाए हैं, अभी तो हम एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे और इनके ऊपर हमला करेगा सब। सर एक बार तो आपने भी एक बार शंका जाहिर कर दी थी कि हड्डियां मिली होती हैं, ये भी खड़ियंत था कि हड्डी मिलाते हैं तो वो मिलाते हैं। हम कहा भाई, मानव का हड्डी हो या दानव का हड्डी हो, हड्डी खाने से आदमी अमृत व्रत प्राप्त करता है तो खाना चाहिए। अगर कान चबाने से आदमी ठीक हो जाएगा, कैंसर मिट जाएगा, तो कान खा जाएंगे तुम्हारा। अरे बात सुनिए ना, अभी भी जितना इनका प्रोडक्ट है, इसमें भी साजिश कर सकता है सब। हाँ। नकली बना के आप कुछ इंजेक्ट कर देगा, आप फिर इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। जैसे गाय का घी है लालू जी, हाँ। अब ये शुद्ध है। हाँ। अब इसमें कोई सुई लगा के बोले, हाँ। जहर घुसा के बोले कि बाबा ने जहर घुसा दिया, बाबा जहर घुसाएगा? ये भारी खड़यंत कर सकता है सब कोई, इसीलिए इनको हमने टेलीफोन पर आगाह किया कि सब पर सावधानी बरतने की जरूरत है। दुश्मन बहुत हो गया ना? हाँ, दुश्मन हो गया। और ये जो भी लोगों का ठप हो रहा है सारा देश भर में, अरे बात निकल गए लालू जी, अरे आगे निकल गए। अरे गुलाब का फूल का खस साबुन, आज जितना साबुन गर्मी में भी हम भी खरीदे हैं, वहाँ से मंगाए हैं पटना से, अब तो ज्यादा ही लाए हैं, लेके चले जाएंगे हम। और देखो लालू जी, ये तो एकदम जबरदस्त निकाला है। इसको लगाने से ना चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सोना। ये स्वर्ण कांति गोल्ड क्रीम है, पहले 10,000 रुपए का बेचता था, 10,000 रुपए का, और हमने ये दे दिया खाली 399 रुपए का। खोल कर दिखाइए नहीं लोगों, ये देखो इतना जोरदार है। ये आपके चेहरे पर लगाता हूँ ना, लगाइए। देखिए बाबा जी के चेहरे पर लगा रहे हैं ये क्रीम, ये देखो चश्मा हटा था, लगाइए। ये देखो, ये सोने जैसा चमकने लगे, देखो आप लोग, ये देखो सच्ची में, ये देखो गोल्ड जैसा, देखो ये गोल्ड क्रीम है लालू जी, देखने में सफेद है, जब लगता है ना, देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू है। चलिए होली में नई मुलाकात हुआ था तो आज मुलाकात हो गया। ये गोल्ड क्रीम है, अब ये पहले विदेशी कंपनी बेचता था लालू जी, हाँ। अभी हमने निकाल दिया, वो 10,000 रुपए का बेचता था, हम 399 का देते, तो कितना फायदा किया। और फायदा किया, जो बिक्री से आया उस आपके घर थोड़ी लगेगा, आप चैरिटी में, देश की सेवा में, स्कूल कॉलेज सब खोलने में, इस समय लगाना है, आप लगा रहे हैं जो आप बात किया, ये तो एकदम समूचा लोग आपका प्रोडक्ट। आप ऐड करेंगे बाबा जी के लिए, ऐड करेंगे जो बाबा जी खुद ऐड करते हैं? अरे बाबा खुद है ये, तो ऐड कर रहे हैं हम, क्या अभी ब्रांडिंग टीवी पे सब पे बाबा जी के लिए करेंगे क्या? अरे ब्रांडिंग हो तो गया, हम फ्री कर देगा ये, कॉस्मेटिक फ्री कर देंगे, कॉस्मेटिक आपने यही सब बात हुआ। कॉस्मेटिक आपने लगा के दिखाया, अभी जॉनसन एंड जॉनसन को $55 मिलियन देने पड़े एक महिला को, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर वो भयंकर केमिकल मिलाते हैं। आप भी क्या ये सारे प्रोडक्ट सब लेकर आएंगे, टेलकम पाउडर जैसे है या? देखो ये जो विदेशी कंपनियां बनाता है केवल केमिकल से बनाता है, हम बनाता है जड़ी बूटियों से बनाता है। अब जड़ी बूटी लगाएगा, अब हम लालू जी अभी करीब 2,000 टन आंवला, एलोवेरा, जड़ी बूटी, बेल, जो आपने भी अपने फार्म में लगाया, देखो इतना बढ़िया लगा है। हाँ, ये अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हम लगाते हैं तो किसानों को फायदा होगा ना। ये विदेशी कंपनियां तो खाली केमिकल का जहर परोस रही है, तो उनका चाहे वो टेलकम पाउडर था, चाहे क्रीम था, चाहे साबुन था, चाहे शैम्पू था, उसमें खाली केमिकल थे।
हमने लालू जी एक बात और, ये जो डिशवाश होता है ना, वो उससे जो गरीब बेचारा महिला होता है वो अमीर के घर में जाकर के बर्तन साफ करते, उसका हाथ खराब हो जाता था। हमने राख से, राख और नींबू, राख नींबू और उसके अंदर जड़ी बूटियां मिला करके और नीम, तीन चीजें मिला दिया, तो क्यों जो बर्तन साफ करने वाली बाई है या कोई माई है घर की, उसका हाथ खराब नहीं होता? अब वो विदेशी कंपनियों से ज्यादा बिकने लग गया, तो सबको जेलेसी है। विदेशी कंपनियां हिंदुस्तानियों पर प्रयोग करते हैं। हाँ। मरो या चेहरा खराब हो तुम जानो, यहाँ तो एकदम गारंटी है बाबा का एकदम। और ये वो तो पैसा बाहर भी लेके जाते ना लालू जी, बोलिए ना। बाबा जी इसीलिए आप कहते क्या कि भारत माता की जय कहना तभी आप भारत में रहेंगे? देखो ऐसा है, भारत माता की जय नहीं, जय हिंद बोलो, हिंदुस्तान की जिंदाबाद बोलो। बात यह है कि हिंदुस्तान का पैसा देश में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? एक तो विदेशी कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, देश को लूटा और गुलाम बनाया ना लालू जी। भारत माता की जय पे विवाद हुआ था। अरे बात काम सब भारत माता की जय होता है लालू जी। आप थोड़ा एनर्जी 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 बार खाइए थोड़ा। ये ऐसा है, इतना जोरदार है और इसमें एक तो सुपरस्टार है। ओहो आप भी सुपरस्टार हैं, ये भी सुपरस्टार हैं दोनों। ये देखो ये सुपरस्टार लालू जी, ये तो सुपरस्टार है। ये विदेशी कंपनियां बनाती थी पहले खाली, अब हमने देसी सुपरस्टार बना दिया है। आप इसको खाइए, थोड़ा सा खाइए, आपको शुगर है ना, ज्यादा नहीं खाना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कैसा है लालू जी? बहुत अच्छा है, दांत में भी नहीं सटता है। इसको दे दो है मातो। ये सुनो, ये वो है, ये एनर्जी बार दूसरा है जो आप शुगर वाले भी खाते हैं। एनर्जी मिलेगी इनको और क्या, एनर्जी तो चाहिए लालू जी को, बहुत लड़े लड़नी है ना आगे। किसके खिलाफ लड़नी है? देश के लिए लड़ना। आपको मालूम नहीं है? बाबा जी साथ देंगे क्या? अरे बाबा हमारा है तो। ये अभी अभी लालू जी जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आएंगे और ये हमारे योग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रोडक्ट सब 5-5 मिनट लेंगे ज्यादा। अरे इसको नीचे रख दो। नहीं नहीं सर, इसकी भी जरूरत है ना, अच्छे से करना ठीक है। अरे एक ना सब मौका मिलता है, साल के बाद चलिए आप बाबा चले सीधा। बाबा रामदेव लालू प्रसाद यादव जी के घर पे पहुंचे, बहुत दिनों के बाद इनकी मुलाकात। रामदेव लालू प्रसाद यादव को योग सिखाने के लिए उनके घर पहुंचे और उसके बाद तो जो आपने देखा कि किस तरह से लगे हाथ बाबा रामदेव ने, जो उनके उत्पाद थे पतंजलि योग के, उन सभी उत्पादों की एड भी कर दी, उसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। वो बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि रामदेव से लोगों को जलन होती है, इससे पहले दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसे थे, इससे पहले डिरेल हो गए हैं बाबा, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा था। और बाबा रामदेव ने तो लालू प्रसाद यादव के लिए ये तक कहा था कि वो कंस के वंशज है, और लेकिन आज लालू प्रसाद यादव और बाबा रामदेव एक साथ।